हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है डिजाइन प्रोसीजर ऑफ रिवेटेड जॉइंट, जिसमें मैं यार बट बॉयलर के लिए बट जॉइंट को कैसे डिजाइन करते हैं, या फिर जो जिगजैग टाइप की कंडीशन बनती है ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट लेफ्ट जॉइंट में, या जो हमारा जो चेन टाइप की होती है, जो चेन टाइप की रिवेटेड जॉइंट होती है, या डबल स्टेप रिवेटेड जॉइंट होती है, इन सब के लिए फॉर्मूले कैसे जनरेट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर किसी न्यूमेरिकल में टी गिवन है थिकनेस, पिच गिवन है और डायमीटर गिवन है, तो उसकी हम जो फेलवर होते हैं, जो हमारे टियरिंग रेजिस्टेंस होता है, शियरिंग रेजिस्टेंस होता है और हमारा क्रशिंग रेजिस्टेंस होता है, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं और उसके थ्रू एफिशिएंसी को भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर थिकनेस गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन नहीं है, उसकी पिच गिवन नहीं है, तो उसको कैसे डिजाइन करेंगे, और उसके लिए अलग अलग कंडीशन के लिए क्या कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे, वो सब निकालने वाला हूँ। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ इस टॉपिक से भी रिलेटेड और मशीन डिजाइन से रिलेटेड या डिजाइन ऑफ मशीन से रिलेटेड, वो देखने के लिए एक तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जो राइट साइड में देखेंगे उल्टा एरो बना है टॉपिक के बगल में, उस पर क्लिक करते ही आप नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसमें देखेंगे तो आप हमारे जो टॉपिक होंगे उस टॉपिक सामने उस वीडियो से रिलेटेड लिंक होगी, उस पर क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब किस कौन कौन सी जो कंडीशन लिखी हुई है बता देते, रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट विद जिगजैग रिवेटेड, अगर इस तरह का न्यूमेरिकल में लिखा होता तो हम किस तरह की कंडीशन बनेगी वो बताऊंगा। ट्रिपल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट जिगजैग पैटर्न, डबल स्टेप बट जॉइंट, अगर ये सारी कंडीशन न्यूमेरिकल में आता तो उस सबके लिए हम फॉर्मूला जनरेट करने वाले। डबल रिवेटेड बट जॉइंट विदाउट कवर प्लेट फॉर लॉन्जिट्यूडनल सीम या बॉयलर से, स्पेशल जिस भी कंडीशन में जो भी डाटा ने दिया गया उसको हमें डिजाइन करना है, कुछ फिक्स है जो डिजाइन करना है। जैसे हम फर्स्ट जो बताने वाला हूं थिकनेस ऑफ द बॉयलर, क्या थिकनेस ऑफ द बॉयलर सेल, तो डिजाइन करते हैं आज का। फ्रेंड्स, अगर बॉयलर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है और थिकनेस ऑफ द बॉयलर अगर नहीं दी हुई है, तो हम उसको डिजाइन करने के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो टी इज इक्वल टू पी इंटू डी अपॉन टू इंटू सिग्मा टी इंटू इफिशियंसी लॉन्जिट्यूडनल इफिशियंसी प्लस 1 mm। ये फॉर्मूला कब होता है वहीं पर यूज करें जो मैं बता रहा हूं पर्टिकुलर। अगर न्यूमेरिकल में बॉयलर सेल लिखा हुआ है उसकी थिकनेस नहीं दी हुई है तो इस फॉर्मूले का यूज करें। ये फॉर्मूला आपको डिजाइन डाटा बुक जो अलाउ रहती है एग्जाम में उसमें भी मिल जाएगा। अब इसमें पी टी क्या होती है, थिकनेस ऑफ द बॉयलर सेल, पी होता है प्रेशर इन बॉयलर सेल, स्टीम प्रेशर इन बॉयलर सेल याद रखें। डी क्या होता है, इंटरनल डायमीटर ऑफ द बॉयलर सेल, इंटरनल डायमीटर ऑफ द बॉयलर सेल। सिग्मा टी की है टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा टी क्या है टेंसाइल स्ट्रेस। जी एफिशिएंसी का सिंबल है किसका, एफिशिएंसी के, एफिशिएंसी ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ द एल मींस लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट प्लस 1 mm, इस फॉर्मूले का यूज करें। अब इस फॉर्मूले की विशेषता है कि इसकी जो बॉयलर सेल की जो एफिशिएंसी जो हमारी थिकनेस होती वो 7 mm से कम नहीं होती, और जो आईबीआर के अकॉर्डिंग, आईबीआर का फॉर्मूला होता है इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, क्या होता है इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, इसकी जो एफिशिएंसी 85% अगर आती तो वो बहुत अच्छी मानी जाती। ये तो हो गया बॉयलर सेल के लिए थिकनेस। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है डायमीटर ऑफ द रिवेट्स, डायमीटर बॉयलर के लिए भी हो सकता है किसी भी न्यूमेरिकल के लिए भी हो सकता है, अगर डायमीटर गिवन नहीं है तब। सेकंड जो है डायमीटर ऑफ द रिवेट्स, कंडीशन समझे, जब ध्यान रखें जब टी की वैल्यू मतलब टी मीन थिकनेस, अगर न्यूमेरिकल में थिकनेस कितनी ग्रेटर देन 8 mm, मतलब अगर 9 mm, 10 mm, 10 mm, 12, 13, 14 कुछ भी 8 mm से ज्यादा थिकनेस दी है न्यूमेरिकल के अंदर, तो हम डी को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है डी इजकल टू 6√ के अंदर टी, क्या होता है डी इजकल टू 6√ के अंदर टी। इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे डी को निकालने के लिए, टी थिकनेस जो दी रही है अगर 8 mm से ज्यादा। दूसरा पोजिशन, अगर 8 mm से लेस देन, अगर 8 mm से कम है थिकनेस, मतलब कम है हमने लेस देन कर लगा दिया, अगर 7 mm है, 6 mm है, कुछ भी हो सकती है, 8 mm से कम है, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं फॉर्मूले वो है शियरिंग स्ट्रेस
शियरिंग रेजिस्टेंस इक्वल टू क्रैशिंग रेजिस्टेंस, क्या होता है शियरिंग रेजिस्टेंस इक्वल टू क्रैशिंग रेजिस्टेंस। शियरिंग रेजिस्टेंस होता है फॉर्मूले जानते हैं एन इंटू फाइव बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ, टाउ क्या शियर स्ट्रेस इक्वल टू एन इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा सी क्रैशिंग रेजिस्टेंस। सिग्मा सी क्रैशिंग रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूले दोनों कैसे रख के इक्वल रखेंगे, इसमें क्या वैल्यू कर रख देंगे हम, किसकी टाउ की वैल्यू रख देंगे, यहां पर सिग्मा सी की वैल्यू रख देंगे। इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद ये सब गिवन है, सिग्मा सी भी गिवन होगा, टाउ भी गिवन होगा और सिग्मा टी भी गिवन होगा, सारी वैल्यू गिवन रहती है न्यूमेरिकल में, ये डी गिवन नहीं होगा, तो डी की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे, एन से एन कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हम इस न्यूमेरिकल से हम डी की वैल्यू निकालेंगे, कब जब टी लेस देन, अब इनकी जब हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे, डी की वैल्यू जो भी आई डेट डेस इक्वल टू कुछ भी आई, कुछ भी जो वैल्यू आती उस वैल्यू की डी की जो भी वैल्यू आएगी, हाँ अगर वो जैसे 21 दशमलव कुछ पॉइंट आती तो हम उसको 22 मान लेंगे, 20 पॉइंट कुछ आती तो उसको 21 मान लेंगे, जो वैल्यू को आधार मान के डी की वैल्यू उसको हम क्या करेंगे डिजाइन डाटा से चेक करेंगे, डिजाइन डाटा बुक से चेक करेंगे, क्योंकि ये जो निकाला वो है किसका रिवेट का डायमीटर निकाला मैंने, किसका निकाला रिवेट का, लेकिन रिवेट हॉल का डायमीटर किसका, रिवेट हॉल का डायमीटर कहां से देखेंगे डिजाइन डाटा से, जो भी वैल्यू आएगी यहां पर इसकी जो वैल्यू आएगी जो डी की रिवेट की इन फॉर्मूलों से, या दो फॉर्मूले हैं लेस देन टी 8 mm हो तो इस फॉर्मूले को यूज करके दोनों को, जब ग्रेटर देन हो तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जो डी का निकलेगा उस डी के बेस पे हम रिवेट हॉल का डायमीटर, रिवेट डिजाइन डाटा में लिखा होगा पहले रिवेट का डायमीटर फिर रिवेट हॉल का, तो रिवेट के डायमीटर के सामने देखेंगे रिवेट हॉल का डायमीटर जो भी होगा उसको हम लिख लेंगे या नोट करेंगे। नेक्स्ट जो हम डिजाइन करेंगे पिच को, नेक्स्ट करेंगे पिच ऑफ द रिवेट्स, पिच ऑफ द रिवेट। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले यूज करके हम पिच निकालेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले यूज करके, जो हमारा टियरिंग रेजिस्टेंस है का फॉर्मूला होता है इक्वल टू शियरिंग रेजिस्टेंस, क्या होता है टियरिंग रेजिस्टेंस इक्वल टू शियरिंग रेजिस्टेंस। तो टियरिंग रेजिस्टेंस का हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो होता है पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी इक्वल टू एन इंटू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको इसमें देखेंगे पी क्या होता है पिच ऑफ द रिवेट, डी होता है डायमीटर ऑफ द रिवेट, डी हम ऊपर डिजाइन कर चुके हैं, टी की वैल्यू भी डिजाइन कर चुके हैं या गिवन होगी, सिग्मा टी की वैल्यू न्यूमेरिकल में दी रहेगी, ये पिच की हमारे पास वैल्यू नहीं है, इक्वल टू एन पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर डी भी गिवन होगा टाउ भी गिवन होगा। जब इसमें सिर्फ अननोन क्या मिलेगा मुझे पी मिलेगा, दोनों इक्वल रख लिए हमने, यहां से हम क्या करेंगे पी की वैल्यू निकाल, पी क्या है पिच ऑफ द रिवेट, क्या है पिच ऑफ द रिवेट, इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसकी निकालने के बाद अब हम आई वी आर के अकॉर्डिंग, क्या होता है आई वी आर, क्या होता है इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, आई वी आर के अकॉर्डिंग, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है पी मैक्स का, पी मीन्स होता है मैक्सिमम पिच, पी मीन्स होता पिच, फॉर्मूला होता है सी इंटू टी प्लस 41.28 mm। ये जो फॉर्मूला होता है इससे हम पी मैक्सिमम एक बार और निकालेंगे, यहां पर पी निकाल चुके ऑलरेडी, इस फॉर्मूले से निकालना ही आपको फाइनल है, इसके बाद फिर ऐसा लिखेंगे इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पी मैक्सिमम होता है सी इंटू टी, टी थिकनेस होती है, सी क्या होता है कॉफिशियंट होता है, जिसकी वैल्यू कहां रहती है जो हमारी डिजाइन डाटा बुक है उसमें गिवन रहेगी, वैल्यू ऑफ द टेकन मैक्सिमम पिच क्या होगा डिजाइन डाटा बुक में कॉफिशियंट की रिवेटेड कॉफिशियंट है उसकी जो वैल्यू होगी सी, वो कैसे भी कहीं डिनोटेड करते हैं अलग अलग टाइप से, जहां कॉफिशियंट लिखा हो जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको उस वैल्यू को भी डिजाइन डाटा बुक से देखना बताऊंगा,
अभी मैं बताता हूँ ये कॉफिशियंट होता है, उस कॉफिशियंट की वैल्यू हम कहाँ से देखते हैं, जरूरी नहीं है सी से डिनोटेट किया हो, कहीं के से भी डिनोटेट कर सकते हैं या किसी और अक्षर से डिनोटेट कर सकते हैं, लेकिन कॉफिशियंट जरूर लिखा होगा। उससे लेंगे टी थिकनेस हमारी न्यूमेरिकल में दी रहेगी, ये वैल्यू है, तो इसको इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो पी मैक्सिमम की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। इन दोनों वैल्यूओं को हम कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर पी एंड पी मैक्स। इन दोनों में मतलब पी की वैल्यू में और पी मैक्स, या मतलब या पी की वैल्यू में और पी मैक्स की वैल्यू में, जिसकी भी वैल्यू कम होगी, जिस दोनों पी और पी मैक्स में जिसकी भी वैल्यू कम होगी उसको हम पिच कंसीडर करेंगे। पिच ऑफ द रिवेट क्या होगी, द रिवेट मिनिमम वैल्यू, वैल्यू ऑफ आइदर पी और पीएम, मतलब इन पी और पी मैक्स में से जो भी वैल्यू कम निकलेगी या तो ऊपर निकलेगी या नीचे, जिसमें कंपेयर कर लेंगे, जो कम वैल्यू है उसको हम पिच मान लेंगे, उस पिच को हम आगे यूज करेंगे जो भी आगे डिजाइन करेंगे। अब करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द रो ऑफ द रिवेट्स। अब बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द रो ऑफ रिवेट्स, इसको हम कुछ भी डिजाइन करेंगे, ये जो कंडीशन बताई थी सब में डिजाइन करेंगे। रो ऑफ मतलब दो कंडीशन बनती है, जब हमारी जो हमारी रो होती है उसमें जो रिवेट्स होते हैं एक में कम होती है एक में ज्यादा होती है, मतलब जिगजैग टाइप का होता है। कैसा होता है, जिगजैग टाइप का, जिगजैग रिवेटिंग, रिवेट जिगजैग रिवेटिंग समझ गए, ट्रिपल वाला, या फिर एक रो में कम रिवेट लगे हो दूसरे में ज्यादा लगे हो। इसमें जो हम डिस्टेंस निकालते हैं वो जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बताता हूं, पी बी इक्वल टू 0.33, पी होती पिच 0.67 डी। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे आप याद करने, कब, जब जिगजैग रिवेट हो, लेकिन जब चेन टाइप की रिवेट हो चेन, जब लिखा हो स्पेशल केस में, ये हमेशा डबल ज्वाइंट में मिलता है, क्या डबल रिवेटेड ज्वाइंट में या बट ज्वाइंट में, जहां चेन टाइप की होती है। इसके लिए जो अगर डबल चेन टाइप में लिखा हुआ है इसके लिए स्पेशल, या डबल रिवेटेड ज्वाइंट है उसमें, उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो होता पी बी इक्वल टू टू डी, टू डी। ये दोनों फॉर्मूले में याद रखें, जब जिगजैग टाइप के रिवेटेड हो या ट्रिपल ज्वाइंट हो तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और जब फोर चेन रिवेटिंग हो या डबल टाइप की रिवेटिंग हो, डबल टाइप में भी कई बार जिगजैग लिखा रहता है लेकिन जब चेन स्पेशल रिवेटिंग हो तो उसके लिए पी बी इक्वल टू टू डी यूज करें। इसमें और भी कंडीशन होती है वो भी बताता हूं मैं आपको। इसी में फ्रेंड्स नेक्स्ट कंडीशन, नंबर ऑफ रिवेट्स इन आउटर रो इज हाफ, ऐसा न्यूमेरिकल में लिखा रहता है, पूरा जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रिवेट्स इन आउटर रो इज हाफ देन द नंबर ऑफ रिवेट्स इन इनर रो। ये होगा पी बी इक्वल टू 0.33 पी प्लस 0.67 या 2d। अब अगर इसी कंडीशन में सेम कंडीशन लिखी और जिगजैग टाइप का बोल दिया, जैसा बोल दिया जिगजैग टाइप की रो है, तो उसमें जो फॉर्मूला बनेगा पी बी इक्वल टू 0.2p प्लस 1.15। अब इतने फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं इस डिस्टेंस बिटवीन द रो ऑफ रिवेट्स की कंडीशन बता रहा हूं ये सारे आपको डिजाइन डाटा बुक में मिल जाएंगे। एक कंडीशन पढ़ना चाहिए आपको, समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, बहुत सारे फॉर्मूले नहीं मिलेंगे लेकिन इस टाइप के फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, सारे डिजाइन डाटा बुक में मिल जाएंगे। ये वाली कंडीशन में अगर फुल टाइप की जिगजैग है, मतलब क्या थ्रू आउट फुल नंबर ऑफ रिवेट्स, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा 0.165 पी प्लस 0.67 डी। इस सारे फॉर्मूले यहां से लेकर यहां तक कि आपको डिजाइन डाटा बुक में मिलेंगे, जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा उस टाइम समझाऊंगा कैसे ढूंढना है, तो आपको इसको कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं लेकिन समझने की जरूरत है कैसे यूज करेंगे, ये मैं न्यूमेरिकल से बताऊंगा। फ्रेंड ये समझ में आया होगा आपको, ये जिगजैग के लिए तो आप याद ही कर लें, रिवेट्स के लिए सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल नॉर्मल आप कहीं भी प्रैक्टिस करेंगे तो मिल ही जाएगा, ये कभी कभी मिल जाएगा, लेकिन इसको तो आप याद करके रखें क्योंकि ये आपको सबसे ज्यादा यूज करना है, क्योंकि जिगजैग टाइप के न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं। ये नीचे वाले हैं ये आपको प्रैक्टिस में एक दो न्यूमेरिकल मिलेंगे, लेकिन इसको भी कोई ज्यादा एक कंडीशन याद होगी आपको तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, आप
क्लियर करना है। इसके अलावा पिच ऑफ द रिवेट्स बताया मैंने, इसको भी बहुत आसानी से बता दिया, डायमीटर भी बता दिया, थिकनेस बता दिया। अब हम करते हैं थिकनेस ऑफ द बट स्टेप। अब कुछ न्यूमेरिकल स्पेशल आते हैं जिसमें लिखाएगा बट स्टेप, क्या लिखाएगा बट स्टेप। अगर ऐसा लिखा आता है स्पेशल तो इस केस में अकॉर्डिंग टू आईवीआर, आईवीआर होता है इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, इसमें अगर थिकनेस ऑफ द बट स्टेप इज नो केस शैल बी लेस देन 10 mm, मतलब 10 mm से कम है अगर थिकनेस तो उसमें कोई केस नहीं रहेगा, उसी को थिकनेस को पंजन। अगर चेन रिवेटिंग के लिए चेन सिंगल बट स्टेप, सिंगल बट स्टेप लिखा है और चेन रिवेटिंग है तो टी की वैल्यू लेंगे हम, T1 इज इक्वल टू 1.125 T, T1 निकालेंगे, टी थिकनेस जो गिवन होगी 1.125 T, ये भी आपको थिकनेस ऑफ द बट स्टेप के नाम से आपको एक टेबल मिल जाएगी या डाटा बुक में जो एग्जाम में अलाउ रहेगी, पूरे कंडीशन मिलेंगे, इसलिए मैं जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी डाटा बुक में मिल जाएगी। कैसे यूज करेंगे मैं जब पर्टिकुलर न्यूमेरिकल इसके लिए समझाऊंगा तो उससे समझा दूंगा। इस तरह T1 यहाँ पर निकालेंगे, ये जो फॉर्मूला लिख रहा है 1.125 प्लस पी माइनस डी अपॉन पी माइनस 2D फॉर सिंगल बट स्टेप अल्टरनेटिव रिवेटेड आउटर, ऐसी कंडीशन लिखी जाती है। नेक्स्ट है टी 0.625 T फॉर डबल बट स्टेप ऑफ इक्वल विड्थ के लिए चेन रिवेटेड, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूला याद करना बहुत मुश्किल है। जो नॉर्मल अपन सीखते हैं वो है डायमीटर निकालना, पिच निकालना, थिकनेस निकालना, ये याद कर सकते हैं, लेकिन ये सब हमें इतना फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, इसलिए डिजाइन डाटा बुक में ऑलरेडी रहता है। इसलिए हम ये और पढ़ के सुना देता हूँ, T1 0.265 T पी माइनस डी अपन पी माइनस 2D फॉर डबल बट स्टेप इक्वल विड्थ के लिए, इस तरह की कंडीशन दी जाएगी। अब मैं बात करता हूँ सी के लिए, अनइक्वल विड्थ के लिए, जब इक्वल विड्थ तो ये होगा, अनइक्वल विड्थ के लिए फॉर बट स्टेप, ओनली बट स्टेप जब फॉर्मूले में दिया हो, T1 इज इक्वल टू 0.75 T फॉर वाइड स्टेप ऑन द इनसाइड, T2 इज इक्वल टू 0.625 T फॉर नैरो स्टेप ऑन द आउटसाइड, ये सब कंडीशन आपको मिलेगी। अब जो हमें याद करना है वो है ये लास्ट मार्जिन, जो मार्जिन देते हैं प्लेट में अंदर वो होता है M = 1.3, क्या होता है M = 1.5 D, 1.5 D, D क्या है डायमीटर ऑफ द रिवेट, रिवेट हॉल या रिवेट। तो फ्रेंड्स ये जो डिजाइन करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल से फॉर्मूले, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये जो फॉर्मूले आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये सारे फॉर्मूले आपको कहाँ मिल जाएंगे, डिजाइन डाटा बुक में मिल जाएंगे, ये आप याद कर लेना M = 1.5 D। इसके अलावा जो मैंने बताया फॉर्मूले डिस्टेंस बिटवीन द रो ऑफ रिवेट, ये फॉर्मूला आप सबसे ज्यादा याद रखे जानना है आपको, जिगजैग रिवेट के लिए, चेन रिवेट के लिए भी आपको याद कर लेना, बहुत छोटा फॉर्मूला है, इन फॉर्मूले भी छोटे छोटे हैं आप याद कर सकते हैं। ये जो हमने कंडीशन, ये कंडीशन लिखी रहेगी ये भी बता चुका हूँ, जिगजैग के लिए होता है और जी अलग कंडीशन के लिए बता चुका हूँ। ये पिच ऑफ द रिवेट, ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी आपको याद होंगे, पिच ऑफ द रिवेट कैसे निकालते हैं, ये होता है टियरिंग रेजिस्टेंस इक्वल टू शेयरिंग रेजिस्टेंस, दोनों को फॉर्मूला एक कर देंगे तो हम यहाँ से पी निकाल देंगे, पी एक बार जो वैल्यू निकालेंगे उसके बाद हम आईवीआर के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते हैं, जो फॉर्मूला होता है पी मैक्स इक्वल टू सी इंटू टी प्लस 41.28 mm, इससे हम सी लेंगे डिजाइन डाटा बुक से, जो कॉन्स्टेंट होता है, टी की वैल्यू हम ऊपर निकालेंगे, पी मैक्स जो भी निकालेंगे उन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो कम से कम वैल्यू होगी उसको हम कंसिडर कर लेंगे, उसको आगे डिजाइन के लिए यूज करेंगे। डायमीटर ऑफ द रिवेटेड बता चुका हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टी की वैल्यू लेस देन 8 mm, मतलब 8 से ज्यादा है, ग्रेटर देन, टी ग्रेटर देन 8 mm, मतलब 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13 कुछ भी हो सकती है, ज्यादा होगी 8 से, तो डी की वैल्यू हम डी इज इक्वल टू 6 रूट के अंदर टी से डिजाइन कर लेंगे, जो भी डी की वैल्यू निकलेगी उसको रख लेंगे, और हम क्या करेंगे जो डी की वैल्यू है यहाँ निकलेगी, अगर पॉइंट में निकलती है तो उसका पूरा पॉइंट मान लेंगे, उसके आधार पर हम डेरिवेटिव हॉल ऑफ द डायमीटर निकालेंगे खाली डिजाइन डाटा बुक से, उन दोनों में जो कंपेयर करेंगे जो ज्यादा वैल्यू होगी उसको हम कंसिडर करेंगे। अगर टी की वैल्यू 8 से कम हुई, 7, 6, 5, 6 कुछ भी हो सकती, तो हम इस फॉर्मूले दोनों को इक्वट कर देंगे, मतलब शेयरिंग रेजिस्टेंस और क्रैशिंग रेजिस्टेंस दोनों की फॉर्मूले पुट करेंगे, यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर लेंगे, गिवन रहेंगी सारी, डी की वैल्यू ऑनली गिवन नहीं है, डी निकाल लेंगे, यहाँ पर जो भी डी निकलेगा उसकी हम करा देंगे, इससे कंपेयर जो भी वैल्यू उसके आधार पर हम रिवेट हॉल से डायमीटर निकाल लेंगे, कोई भी एक कंडीशन होगी इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ भी निकाल इसको निकालेंगे या फिर इसको निकालेंगे, जो भी थिकनेस दी रहेगी जिस तरह उस तरह, या तो ये कंडीशन होगी या एक कंडीशन होगी, कोई एक कंडीशन होगी, दोनों कंडीशन में जो भी आएगी न्यूमेरिकल में उसके आधार पर हम डायमीटर निकाल लेंगे, और जो डायमीटर यहाँ पर जो निकलेगा उसको हम क्या करेंगे इससे कंपेयर करा देंगे, जो हम रिवेटेड हॉल का जो डायमीटर लेंगे डिजाइन डाटा बुक से, जो ज्यादा वैल्यू होगी उसको कंसिडर कर लेंगे आगे की डिजाइन के लिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स को भी बताएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके,
चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।